इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के भदोही जिले से और सत्यम न्यूज में पीबी के साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव मामला मिलने से जनपद में हड़कंप मच गया है। बिहार के कटिहार का रहने वाला 18 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। युवक दिल्ली से बिहार जा रहा था जिसको प्रशासन की टीम ने शेल्टर होम में रखवाया था। शेल्टर होम में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब शेल्टर होम में मौजूद अन्य लोगों की जांच के साथ वहां तैनात पुलिसकर्मियों व अन्य कर्मचारियों की भी जांच कराई जाएगी। देखिए, ये लोग दिल्ली से आए हैं, इसमें जो तौफीक बिहार कटिहार का रहने वाला है, ये दिल्ली में था, शटरिंग का काम करता था। वहाँ से ये लोग ट्रक से कानपुर तक आए, कानपुर से फिर ये लोग पैदल आ रहे थे, इनको भदोही में ही पकड़ा गया। अब उस समय 32 थे, इनको नेशनल इंटर कॉलेज में रखा गया है। 7 लोगों की परसों सैंपलिंग ली गई थी जिसमें तौफीक को पॉजिटिव मिला है। आपको बता दें कि लगभग 3 दर्जन युवकों का एक जत्था ट्रक के जरिए दिल्ली से कानपुर पहुंचा था। कानपुर से यह जत्था रेलवे ट्रैक पकड़कर पैदल भदोही से होते हुए बिहार जा रहा था। तभी मोड़ पुलिस ने सभी को पकड़कर भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज के अस्थायी शेल्टर होम में रखवा दिया था। इसी जत्थे में बिहार के कटिहारी गाँव निवासी 18 वर्षीय तौसीफ नामक युवक का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जांच में युवक को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद युवक को मिर्जापुर में मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए दिखाते हैं शेल्टर होम की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको बता दें कि गत दिनों जो है दिल्ली से लगभग 3 दर्जन मजदूरों का एक जत्था दिल्ली से ट्रक द्वारा कानपुर के लिए निकला और फिर उसके बाद कानपुर से 3 दर्जन मजदूर जो है पैदल चल दिए और वहाँ जो है मोड़ क्षेत्र के चौकी इंचार्ज ने 3 दर्जन युवकों को पकड़ा और नहला खिला कर भोजन कराया। उसके बाद जो है यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज में रख दिया गया। अब उसके बाद कई दिनों के बाद उनकी जांच जब आई है, एक युवक तौफीक है जो बिहार का रहने वाला है, बताया जा रहा है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो तौफीक अपने को पूरी तरह स्वस्थ बता रहा है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, ना तो उसको बुखार है जैसा कि तौफीक खुद बता रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर युवक को नेशनल से मिर्जापुर के लिए भेज दिया गया है। बताया जाता है कि बीते 30 मार्च को बिहार के रहने वाले 32 लोग दिल्ली से भदोही होते हुए बिहार जा रहे थे, जिसको प्रशासन ने शेल्टर होम में रखा था। जिस युवक में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वह दिल्ली में मजदूरी का काम करता था। लॉकडाउन के बाद वह बिहार जाने के लिए निकला था। जिस शेल्टर होम में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वहां अभी 134 लोग रह रहे हैं, जिनमें भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं सभी की जांच कराई जाएगी। भदोही में कोरोना पॉजिटिव का मरीज पाए जाने के बाद सुबह से ही जिले के तमाम आला अफसरों का शेल्टर होम में आना जाना लगा हुआ है और नेशनल इंटर कॉलेज को सैनिटाइज कराने का काम भी तेजी से चालू कर दिया गया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि शेल्टर होम में ड्यूटी पर तैनात जो भी पुलिस के जवान कर्मी रसोइयां मौजूद हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी। ये ट्रैवलर है, बिहार का रहने वाला लड़का है, बिहार जाने के लिए फिर गाड़ी में 45 लोग थे तो वो लोग रुके हुए, यहाँ पे बस रुक दी गई थी तो वो लोग दिल्ली से लौट रहे थे। तो एक लड़का उसमें, हम लोग रैंडम सैंपलिंग किए थे तो एक लड़का उसमें उसकी जांच में पॉजिटिव निकला है। उसका नाम तारिक है, नाम क्या नाम, तौफीक है नाम उसका, तो 18 साल का लड़का है। तो उसकी अब तुरंत हम लोग रात में ही हम लोग मंडल लेवल पे हम लोग शिफ्ट करते हैं लेवल 1। तो यहाँ मैम क्या तैयारियाँ चल रही हैं जो मिलने आए थे? तो हाँ, पूरा हम लोग को सैनिटाइज करना पड़ेगा, हर सबकी जांच होगी आज, एक एक कमरे में जितने बच्चे हैं सारे सबकी जांच हम लोग लेंगे आज। जो लोग मिलने आए थे नहीं, उन लोगों को भी जांच होगी, जो खाना बनाने रसोई वालों का भी जांच होगा एंड जो मिलने आए उन लोगों को भी हम लोग लिस्ट लेके, लिस्ट तैयार बना के रैंडमली हम लोग सबकी सब सैंपल्स हम लोगों को भेजना है।
एक बार फिर सत्यम न्यूज बीपीवी आप सभी से अपील कर रहा है, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, शासन प्रशासन का सहयोग करें, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें। सत्यम न्यूज बीपीवी आपसे बार बार अपील कर रहा है, बचाव ही उपचार है, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें।